बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि देश और विदेश में जो है इस जयंती को लेकर जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसी कड़ी में जो है कांटी प्रखंड के लोजपा रामविलास पार्टी का यह तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं प्रखंड कार्यालय का, जहाँ पर देख सकते हैं सभी नेता जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। वही आपको तस्वीरें जो है अभी आपको सजा कर रहे हैं और देख सकते हैं लोजपा रामविलास पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष युवा लोजपा पार्टी के जो है युवा नेता भी वहां पर मौजूद है और तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है लोग जो है आज इस जयंती को मना रहे हैं। वही क्या कुछ कर रहे हैं जयंती के उपलक्ष्य में, खुद सुनिए। आज हम लोग कांटी में बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, कांटी प्रखंड के लोजपा पार्टी के तरफ से बाबा का 132वां जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग बड़े धूमधाम से, और पार्टी के सब साथी लोग हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए नेताजी क्या कहेंगे आज जो है जयंती मना रहे हैं? आज बहुत खुशी की बात है कि कांटी में हमारे लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय जो यहाँ पे ब्लॉक गेट के सामने हैं वहाँ पे हम लोग बाबा साहब का 132वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाए, और गांव में भी जो है कि हमारे पार्टी की तरफ से जो है कि जुलूस यात्रा शोभा यात्रा जो है कि निकाली गई है, और हमारे प्रखंड अध्यक्ष अमीर पांडे और जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी द्वारा जो है कि हम लोग को निर्देश दिया गया कि जो है कि प्रखंड स्तर पर जो है कि बाबा साहब का जो है कि जन्मदिन ढंग से मनाए और अच्छा से मनाए, यही है। दलित सेना का जो है एक जो थे अधिकारी नेता थे उनका जो है आज हत्या कर दिया गया, क्या कहेंगे इस विषय पे, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन अगर किसी भी नेता या दलित नहीं या कोई वो दलित और अग्रा पिछड़ा की बात हमारी पार्टी न करती है और न हम करते हैं, अगर किसी की हत्या हुई है तो उस पर मैं सरकार से और मांग करता हूँ और प्रशासन से भी मांग करूंगा कि उस पर उचित कार्रवाई करके जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सुशील कुमार पांडे, युवा प्रखंड अध्यक्ष कांटी। क्या कहेंगे नेताजी जो है आज अपने कार्यालय पे जो है आज जयंती मना रहे हैं? मेरे सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं हैं। बाबा साहब का जो सपना था कि शिक्षित रहो संगठित रहो, तो ये सपना को साकार होता हुआ दिखना चाहिए। लिख देने से कुछ नहीं होता है, ये अभी जो वर्तमान की जो दिशा और दशा है वो बाबा साहब के सपनों को साकार होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाबा साहब जाति पाति मजहब के नहीं थे। क्योंकि आप अगर शिक्षित होंगे संगठित रहेंगे तभी जाकर एक स्वच्छ और निर्मल समाज का निर्माण हो सकता है। उज्ज्वल कुमार ठाकुर। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।